आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की कथा। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया तो हमको आप बताइए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र जप किया, जिसके सर्पों के आभूषण हैं, नंदी भंगी सेवित हैं, 24 सत्यों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा आठों सिद्धियां और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र है, ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर के अत्यंत कठोर तप किया। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में ठंडे में जल में स्थित होकर के उसने कठोर तप किया। जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है, उसका ऐसा उग्र तप देख करके महा चिंता से को प्राप्त हो गए। और हे अर्जुन, तब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई। ऋषि कन्या ने 9000 वर्ष तक भगवान का तप किया। पार्वती भगवान शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर के अपना अगोचर रूप दिखाया और उस रूप को देख करके वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो, और उस बालक ने नम होकर के भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्ववंदित भगवान शिव का मानसिक रूप से उसने पूजन किया और भगवान की प्रार्थना की। राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वनी कन्या श्री शंकर की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर के प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्वनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांगो। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुन करके प्रसन्न हुई और भगवान शिव से एक ही वचन कहने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह वर 5 बार कह करके शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव जी के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर के बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना तो देखी गई है और ना ही सुनी गई है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा करना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से मुझको भी लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इस शिव के जो भाव मैंने दिए हैं, जो मैंने आशीर्वाद दिया है, वो गलत नहीं होगा। तू तो तपोबल से और अगले जन्म में तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर के परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा ही मेरा रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा कोप करते तो तुमको जला देते, और दुर्वासा तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्यों को सौंपा है। हे बाले, ब्रह्मादि के देवता और नारद इत्यादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टालते हैं, तूने उनको नहीं पूजा, उनका अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के
भक्त हैं, वह पुत्र पौत्र धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला चकित रह गई। सूति जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदा शिव के अंतर्ध्यान होने से उस बाला को और भी चिंताएं होने लगी। आगे की पावन कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।